हमारी चैनल सॉल्यूशन बाय सार्थक को सब्सक्राइब करें और उसके बाजू में बेल आइकन पे भी टैप करें ताकि हमारे मोबाइल रिलेटेड वीडियोस आपको सबसे पहले। हेलो दोस्तों, मैं हूं सार्थक, आप देख रहे हैं सॉल्यूशन बाय सार्थक। दोस्तों आज की वीडियो में हम यूसी ब्राउजर के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप एंड्रॉइड या कीपैड कोई भी फोन यूज करते हैं तो आपको पता ही होगा कि यूसी ब्राउजर आता है। तो दोस्तों पिछले कुछ महीनों से इंडिया और चाइना के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा है, बिना बात की धमकियां दी जा रही है एक दूसरे को। तो इंडिया के लोग है वो अभी कुछ चाइनीज प्रोडक्ट को लेकर सच में रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसमें जो चाइनीज एप्स है वो भी इसमें आ गई है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो जिक्र हो रहा है वो है यूसी ब्राउजर का, वो सबसे ज्यादा मतलब लपेट में आ गई है लोगों की। तो दोस्तों यूसी ब्राउजर एक चाइनीज ऐप को सभी को पता ही होगा। तो दोस्तों यूसी ब्राउजर ना यूज करने वाले दो तरह के लोग होते हैं, ध्यान से सुनना, दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जिनको अभी चाइनीज प्रोडक्ट से नफरत ही हो गई है, कोई भी एप्स हो या प्रोडक्ट हो उनसे नफरत ही हो गई और उनको वो लोग किसी भी हाल में ऐसी एप्स को यूज ही नहीं करना चाहते, तो उनकी बात अलग है, वहां पे तो कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे लोगों को मैं बता दूं कि अगर आपको ऐसी एप्स यूज नहीं करनी है तो जो क्लीन मास्टर है वो भी एक चाइनीज ऐप है, तो आप वो भी यूज ना कीजिए। और जो दूसरी तरह के लोग होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि उनको यूसी ब्राउजर के बारे में ऐसा लगता है कि वो डेंजरस है, मतलब वहाँ पे ऐसे हमारी कोई भी दी हुई इन्फॉर्मेशन प्राइवेट डेटा लीक हो सकता है। तो हाँ ये बात सच्ची है, मैं भी मानता हूँ कि यूसी ब्राउजर चाइनीज ऐप है, तो जो चाइना वाले हैं वो अभी कोई भी तरह से लेकर इंडिया में मतलब अपना पैर घुसाने की फिराक में और कोई भी तरीके से हमला कर सकते हैं, चाहे वो साइबर अटैक हो या कोई भी हो, तो वो ऐसी एप्स के जरिए इंडिया में पैर रख सकते हैं। तो हाँ मैं भी मानता हूँ कि यूसी ब्राउजर में ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, जो बड़े ही जो तीन बढ़िया ऑप्शन है इसके और में जो कि है गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स और ओपेरा मिनी, ये तीन ब्राउजर है वो वेब ब्राउजिंग और सर्फिंग के लिए काफ़ी बढ़िया है, सर्चिंग के लिए भी काफ़ी बढ़िया है। तो दोस्तों यूसी ब्राउजर में आपको तीन तरह का जो है वो जोखिम हो सकता है, यानी कि खतरा है, तो वहाँ पे आप ऐसे काम मत कीजिए कि आपकी प्राइवेसी है वो लीक हो सके। वहाँ पे यूसी ब्राउजर जो है वो डाउनलोडिंग के लिए बेस्ट है, मैं भी मानता हूँ एंड्रॉइड का सबसे बेस्ट ब्राउजर अगर कोई डाउनलोडिंग के लिए है तो वो है यूसी ब्राउजर, क्योंकि जो गूगल क्रोम है या फिर ओपेरा मिनी है या कोई भी ब्राउजर है वहाँ पे इतना अच्छा और फास्ट स्पीड नहीं आती है डाउनलोडिंग की, काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस होता है यूसी ब्राउजर में। लेकिन अगर आपको वेब ब्राउजिंग करनी है, गूगल सर्च करना है या कुछ भी करना है, अगर आप फेसबुक है वो एप्लीकेशन से यूज़ नहीं करते, अगर वेब से यूज़ करते हैं गूगल में से सर्च करके, तो वो आप ऐसी चीज़ें या फिर कोई ऑनलाइन फॉर्म भरना हुआ जिसमें अपनी डिटेल देनी हो या फिर कोई जॉब के लिए एप्लीकेशन देना, वो सब आप यूसी ब्राउजर में मत कीजिए क्योंकि वहाँ से लीक होने का खतरा है। तो उसके लिए जो गूगल क्रोम मैंने बताया वो फिर मिनी मोज़िला फायरफॉक्स, वो काफ़ी ट्रस्टेड जेन्युइन और अच्छी कंपनी ने बनाए हुए ब्राउजर है और वहाँ पे आपको वेब सर्चिंग के लिए यूसी ब्राउजर से भी ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है क्योंकि यूसी ब्राउजर तो खास तरीके से वो डाउनलोडिंग के लिए बनाया गया है वो, तो मैं भी पर्सनली उसका डाउनलोडिंग के लिए यूज़ करता हूँ। और यूसी ब्राउजर के बारे में जो भी चीज़ें थी वो मैंने क्लियर कर दी कि किस तरह से यूज करना चाहिए और किस तरह से नहीं करना चाहिए। सिंपल सी बात है कि अगर आपको डाउनलोडिंग कुछ करना है तो यूसी ब्राउजर से कीजिए, या फिर अगर कुछ भी आपको सर्च करना है, वेब ब्राउजिंग कोई भी करना है, ऑनलाइन कुछ काम करना है, तो वो सभी जो मैंने बताए क्रोम या फिर ऐसे कुछ ट्रस्टेड ब्राउजर वहाँ पे से ही कीजिए, तो आपकी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होगी। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जो बेवजह की बातें फैलाते हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे दबाकर। तो मैं मिलता हूँ आपको एक अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।